हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSJMU कानपुर की। सो छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टेट यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, एंड इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है csjmu.ac.in। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप विजिट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा एंड उसमें आपको दिख रहा है PhD, मतलब बहुत सारे वैसे एप्लीकेशंस एक्टिव हैं, या आई कैन से कि थे क्योंकि लास्ट डेट 7 थी। एनीवे PhD एडमिशंस के बारे में है, ये रहा ब्रोशर, आप इस पर क्लिक करके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं है, एप्लीकेशन 8 जून से स्टार्ट होगा, ये साइन हो जो कि आज ही है। तो बेसिकली अभी लिंक अवेलेबल नहीं है, मे बी अभी कुछ देर बाद या जब आप खुद से विजिट करें इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो ओपन हो, एक्टिव हो, तो आप उसको देख लीजिएगा। एंड यस, बाकी चलिए अब हम ब्रोशर को देखते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर CSJMU कानपुर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, एंड इसमें अगर आप देखें तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी हुई है, एज इन आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी हर पेज पर। अभी आप देखिएगा आगे, तब आप खुद ही समझ जाएंगे। सो एनीवे, उसके बाद अबाउट यूनिवर्सिटी एंड ये सारी चीज़ें हम इन्हें स्किप करेंगे। देखिए फेलोशिप्स की बात करते हैं, डिफरेंट फेलोशिप्स तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट जैसे सबसे पहले यहाँ पे है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, आई एम रियली सॉरी। सो इसमें क्या है ना, 10,000 पर मंथ मिलेगा, लेकिन उन्हीं स्कॉलर्स को जो कि इन्हीं के लाइक ये जो शाहू जी महाराज हैं इनके वेरियस फेसेट्स पर रिसर्च कर रहे होंगे, इनसे रिलेटेड रिसर्च कर रहे होंगे, उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। एंड ये उन्हीं स्कॉलर को मिलेगा जो कि मतलब जैसे किसी CSJMU से अप्रूव्ड जो रिसर्च सेंटर है अगर उसमें भी है तो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय स्कॉलरशिप है, सो इसमें भी 10,000 पर मंथ है। इसमें भी वही कंडीशन है कि जो DDU या दीनदयाल उपाध्याय जी के जो वेरियस फेसेट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई वर्क कर रहा हो, उन पर कोई रिसर्च कर रहा हो, तब मिलेगा, राइट। यहाँ पे नोट है काइंड ऑफ कि स्कॉलर जो कि PhD कर रहे हैं डिफरेंट फेसेट्स पे इनके, दैट इज़ दीनदयाल उपाध्याय जी के या अटल बिहारी वाजपेयी जी के या फिर BR अम्बेडकर, तो उनके लिए है एक टाइम रीइंबर्समेंट, आपको थीसिस बाइंडिंग कॉस्ट अप टू 20,000 ये भी मिल सकता है, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है। इसके बाद है राधाकृष्णन स्कॉलरशिप, तो ये टॉप 50 जो भी PhD स्कॉलर्स ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैंपस के होंगे प्लस जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें ओवरऑल टॉप 50, सो टोटल 100 हो गए, उन सभी को 5,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। एंड यस, आफ्टर दैट रामानुजन PhD टीचिंग असिस्टेंटशिप स्कीम भी है। सो एक तरह से कॉर्पस फंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है सभी जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो आई थिंक उन्हें भी मिलेगा, राइट। जब आप कोर्स वर्क का जो एग्ज़ाम है उसे कन्फर्म मतलब एग्ज़ाम देंगे, पास हो जाएंगे, प्रॉपर जो आपका रजिस्ट्रेशन है PhD में, एक्चुअली कोर्स वर्क एग्ज़ाम के बाद ही माना जाता है, एज इन होता है, तो अगर वो हो जाएगा तो उसके बाद से आपको ये भी फेलोशिप मिलेगी, बट इसमें भी वही है कि नेट होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जैसा कि आपको पता है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। स्टेट यूनिवर्सिटी है सो आई थिंक स्टेट के रूल्स फॉलो होंगी। आफ्टर दैट 55% में वही 5% रिलैक्सेशन है, एंड ये जो 1x1 पॉइंट्स हैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज उन्हें देख लीजिएगा। अभी जो अपियरिंग है जिनका फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर है, क्या वो एलिजिबल है? हाँ, आप भी अपियर कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एडमिशन प्रोसेस है, सो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CSJMU ET PhD एडमिशन्स के लिए, एंड उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे ओवरऑल तो फिर सिलेक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है 70-30 का वेटेज रहेगा एंट्रेंस एंड आपका इंटरव्यू का। आफ्टर दैट इसी तरह से और भी पॉइंट्स, एक बार इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा, एंड यस तो फिर फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग जिनका सिलेक्शन होगा उनका होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आप और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें की देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे एग्जेम्पशन से रिलेटेड एंड ऑल्सो एक और पॉइंट था GRF से रिलेटेड, सो आई थिंक वो आगे होगा, बट ऐसा ही है कि अगर सेम मार्क्स किसी को मिलते हैं तो उस केस में किसे प्रेफरेंस मिलेगी। तो देखिए जैसे अगर GRF है, अब दोनों ही GRF हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो उनके आई थिंक PG के मार्क्स हैं उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा ना। एग्जेम्पशन की बात करें तो देखिए इसमें
नेट नहीं लिखा है, वही कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे जिन्हें ग्रांट मिलेगा रिसर्च के लिए, कोई भी फेलोशिप मिलेगी किसी भी एजेंसी के थ्रू तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी यहाँ पे जो सर्विंग पर्सोनल्स होंगे या ऑफिसर्स हैं आर्मी नेवी फोर्स के, उनके लिए है। देन यस, यहाँ पे इंटरनेशनल, तो यहाँ पे नेट या गेट नहीं मेंशन है, फेलोशिप है तभी आप एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। देन है एप्लीकेशंस आपको फिल करने ही हैं, राइट, अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो भी। नाउ नो एग्जेम्प्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, तो किन्हें किन्हें नहीं मिलेगा वो सारी भी इन्फॉर्मेशन है। सो ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स वो हैं जो रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंटेड हैं, ठीक है, उनके लिए है यहाँ पे कि आपको अपियर होना होगा एंट्रेंस में 10% का, 10% का आपको एडिशनल वेटेज मिलेगा, बट एंट्रेंस आपको देना होगा। इसी तरह से फुल टाइम जो भी टीचर्स हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के यूनिवर्सिटी अफिलेटेड कॉलेज, उनके लिए भी है। बाकी हाँ, ये कंडीशन जो है ना, जैसे यहाँ प्रोबेशन सक्सेसफुली हो, यहाँ एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो, तो आपको भी 10% का वेटेज मिलेगा। देन यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि इनकेस नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं पासिंग GRF मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो क्या होगा, देयर मार्क्स इन PG विल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट टू डिसाइड द मेरिट, ठीक है। यही मैंने बोला कि जैसे JRF हैं दोनों, तो उस केस में क्या होगा कि PG के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनेगी, राइट। एंड वो कैटेगरी जो कि एग्जेम्पशन है, तो उनके लिए लिखा है कि द कैटेगरीज फॉर द कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। सो सपोज आप एंट्रेंस देते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, बट एक सी तरह से एक जो JRF कैंडिडेट है वो भी हैं, प्रेफरेंस किसे मिलेगी, उन्हें मिलेगी, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 स्टेज का प्रोसेस है, एंट्रेंस होगा, राइट, एंड 70 MCQs होंगे उसमें, एक एक नंबर के, राइट, 35 रिसर्च के होंगे, 35 आपके सब्जेक्ट के होंगे, 90 मिनट्स होगा। देन नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 मार्क डिडक्ट होंगे हर गलत आंसर पे। आफ्टर दैट एंट्रेंस यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होगा, या फिर एफिलिएटेड मतलब या वहाँ के जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें भी हो सकता है, तो कानपुर आपको जाना होगा, एंड आई थिंक कैंपस में ही हो जाएगा वैसे। एंड बाकी फाइनल मेरिट वगैरह से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक हैं। देन यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड इनटेक कितने हैं, अवेलेबल सीट्स कितने हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है। सो एग्रीकल्चर टोटल 5 सीट्स आर देयर, देन बायोकेमिस्ट्री 2, बायोटेक्नोलॉजी 5, बॉटनी 5, बिजनेस मैनेजमेंट 2, केमिकल इंजीनियरिंग 2, केमिस्ट्री 8, कंप्यूटर एप्लीकेशन 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज 2, देन ड्राइंग एंड पेंटिंग 2, इकोनॉमिक्स 6, एजुकेशन 2, एजुकेशन ट्रेनिंग 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1, इंग्लिश लिटरेचर 5, देन फूड टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये फूड होगा या फूड होना चाहिए शायद, तो देखते हैं इसको, 2 है इसमें, होम साइंस में 2 है, देन हॉर्टिकल्चर 2 है, जर्नलिज्म एंड मास कॉम अगेन 2, लॉ 2, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज 3, लाइफ साइंस 4, सोशल वर्क लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन 2, मैथ्स 5, माइक्रोबायोलॉजी 2, देन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 2, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 1, म्यूजिक 2, फार्मेसी 2, फिलोसफी 2, फिजिकल एजुकेशन 2, आफ्टर दैट फिजिक्स 3, फिजियोथेरेपी 1, पॉलिटिकल साइंस 2, साइकोलॉजी 3, संस्कृत 4, सोशियोलॉजी 4, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर 1, स्टैट्स 1, उर्दू 1, जूलॉजी 2। दीनदयाल शोध केंद्र में 2 सीट्स हैं, योग में 1 सीट है, सो टोटल 112 सीट्स अवेलेबल हैं, चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एडिशनल सीट या प्रेफरेंस मिल सकता है इन स्कीम्स के अंडर, सो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, सो यस एक्चुअली ना, अगर आप में कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब हुआ कि ओवरऑल आपके पेरेंट्स के सिर्फ आप ही डॉटर हो, ठीक है, जैसे अगर आप सिंगल हो बट आपके ब्रदर हैं तो इसे काउंट नहीं किया जाता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड आप हैं तो आपके लिए ये फेलोशिप होती है। सो खुद मेरे भी कुछ मैंने भी देखे ऐसे केसेस, तो उसमें क्या है ना कि जैसे आप अभी PhD में एनरोल हो जाते हो, ठीक है, कोई फेलोशिप नहीं है, बट जब भी वो एप्लीकेशन का टाइम ड्यूरेशन है वो जो भी है वो होता है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो एंड आप ये फेलोशिप अवेल कर सकते हो। ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया होगा, बट जो भी है, बट हाँ ये फेलोशिप अवेलेबल है। तो अगर आप अभी तक आपको नहीं पता था या नहीं किया है तो प्लीज़ आप देखिएगा, अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, एंड अगर आप मतलब जब भी वो डेट वगैरह आएगी तो उस केस में आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ऐसी और भी कुछ फेलोशिप्स होती हैं, जेएन है जवाहरलाल नेहरू फंड करके एक फेलोशिप भी है, वो भी मिलता है, उसमें भी इंटरव्यू होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ऑलरेडी PhD कर रहे हैं तो सर्च करिएगा, आपको कई सारी स्कीम्स देखने को मिलेंगी।
एनी वे देन डिपेंडेंट ऑफ मार्टर हैं तो भी एंड डिफरेंटली एबल्ड हैं तो भी, ठीक है। रिक्विजिट इसमें यही होगा कि जो कैटेगरी है उसके लिए उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आप हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड या जो भी। नाउ सब्जेक्ट्स जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के, साथ में लिंक दिया है सिलेबस का, तो अगर आप इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो CSIR नेट का सिलेबस जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं यही फॉलो होगा। लाइफ साइंस का सिलेबस है बेसिकली। इसी तरह से आप देख रहे हैं सब लिंक दिए हुए हैं, बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है उसमें CSIR नेट होता है तो उसका सिलेबस है, गेट होता है तो उसका है, UGC नेट होता है तो उसका है, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके आप सिलेबस देख के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे नोट में है तो कोई भी चीज़ें, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सीट चेंज हो सकती है। डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्सिटी का, देन फ़ी तो ये 2500 है। एक के लिए अप्लाई करें 2500, एक से ज़्यादा क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट के लिए 2500 ऐड होगा। दो सब्जेक्ट्स के लिए करेंगे तो 5000 आपके गए, ठीक है। तो देख लीजिएगा अब आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करें एंड एवरीथिंग, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा फिर अप्लाई करिएगा। एंड 1500 है बाकी ST SC कैटेगरी के लिए, एंड EWS OBC के लिए भी 2500 ही है, ठीक है। एंड यस इसके बाद यहाँ पे है कुछ जनरल गाइडलाइंस फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। एंड एग्जेम्प्टेड हैं तो भी अप्लाई करना है, एग्जेम्प्टेड नहीं है एंट्रेंस देना है तो भी अप्लाई करना है, याद रखिएगा सबको करना है। फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, या ये डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड होंगे। एंड मॉडल एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिख जाएगा तो देख लीजिएगा कैसे चीज़ें करनी है, फिर अप्लाई करिएगा। बाकी ये बेसिक पॉइंट्स हैं तो आई थिंक आपको इशू नहीं होगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पे फर्दर और भी पॉइंट्स देख सकते हैं। सो यस देन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सो एप्लीकेशन आज ही से 8th of June से स्टार्ट हो रहे हैं, हो जाएंगे। अगर अभी लिंक नहीं है तो कुछ देर में आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट है 7th of July, 7 जुलाई एडमिट कार्ड आएगा 24 जुलाई को, और जो एंट्रेंस है वो 30 जुलाई को है, 30 जुलाई 2023। फिर बाकी सारी इसी तरह से डेट्स हैं। इंटरव्यू की डेट्स की बात करें सो 21st से 30 अगस्त के बीच में होगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा अगर अप्लाई करें तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी है। सो ऑल द बेस्ट, आई रियली विश कि हो जाए आपका एंट्रेंस क्वालिफाई, देन इंटरव्यू भी हो जाए। फिलहाल ये रही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई इशू है तो आप इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि है phdinfo@chjmu.ac.in, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।